जाको प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो भाजपा का नहीं, भाजपा का के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है उसको भाजपा दूध कतई स्वीकार नहीं करती, और भाजपा के साथ हमारा कार्यकर्ता खड़ा है। कार्यकर्ता के बल पर हमने लोकसभा और विधानसभा जीता है, कार्यकर्ता के बल पर हम नगरी निकाय का चुनाव भी जीतेंगे। देखिए, सपा की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। अभी तक वो समाज को बांट करके राजनीति करते थे, समाज को बांटने की, अब भगवान को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इतना ही कहूंगा। मैंने कहा भगवान और भगवान के बीच में बंटवारा करना ये सपा बसपा कांग्रेस जैसी सोच के लोगों का ही विषय हो सकता है। हमारे लिए भगवान राम, हमारे लिए भगवान कृष्ण, हमारे लिए भगवान शिव, हमारे लिए सभी देवी देवता एक जैसे हैं। जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मस्जिद के लिए सीएम बोर्ड ने एक हलफनामा दिया है, जबकि अयोध्या के लिए मंदिर के लिए तैयार है। चलिए, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि समझौते से रास्ता निकलेगा बहुत अच्छा है, अन्यथा 5 तारीख से सर्वोच्च न्यायालय में डे टू डे सुनवाई होगी और जल्द ही फैसला होगा, भव्य मंदिर बनेगा। केशव जी, इस नगर पालिका में देखा गया है कि जो आपके बागी प्रत्याशी हैं वो आपकी पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं पर, बड़े नेताओं पर बड़े अनर्गल बयान लगा रहे हैं, भाजपा इसमें कोई कार्रवाई करेगी या नहीं? जहाँ जरूरत होगी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भाजपा को कहाँ कब किसके खिलाफ क्या करना है भाजपा को मालूम है, जहाँ जरूरत होगी वो कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।